नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 मार्च 2023 के आपके संपूर्ण राशिफल के बारे में। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। दोस्तों आज का दिन रविवार 12 मार्च 2023 कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि के 10:01 रहेगा। उसके उपरांत ही षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नाम का नक्षत्र सुबह के 8 तक रहेगा। उसके उपरांत विशाखा नाम का नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे। योग की बात करें तो व्याघात नाम का शुभ योग शाम के 6:42 रहेगा। उसके बाद हर्षण नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। राहु काल के समय की बात करें अर्थात दिन के अशुभ समय की, यश में आप कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें तो दोस्तों यह समय रहेगा शाम के 5:02 से लेकर शाम के 6:31 तक। इसके उपरांत आज के दिन शुभ समय दोपहर के 12:13 से लेकर दोपहर के 1 तक रहेगा। दोस्तों यश में आप सभी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों चंद्रमा इस दिन तुला राशि के उपरांत वृश्चिक राशि में संचार कर जाएंगे और सूर्य इस दिन कुंभ राशि पर रहेगा। तो ये दोस्तों से किस साथ बात करते हैं कि ग्रहों की ये स्थिति और चंद्रमा का यह गोचर आप सभी के राशि पर कौन कौन से बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। आपके लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और पारिवारिक जीवन में कौन कौन से बड़े सुधार होने वाले हैं। दोस्तों जानेंगे इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों यह समय कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहें। यह जो समय आपके लिए ग्रह स्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। अगर वाहन लेने की संबंधी कोई भी योजना बना रहे हैं तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए अत्युत्तम समय होगा। इसको उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों मन में कुछ नकारात्मक विचार भी उठ सकते हैं। अनुभवी लोगों के संपर्क में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें अथवा एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करें, यह भी आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों कोई कोटि संबंधी मामला उलझ सकता है। आपको बता दें कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए जो है फायदेमंद साबित होंगी, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि हर किसी काम में धीरे धीरे आगे बढ़ना आपके लिए ठीक रहेगा। सभी बात पर ध्यान देने के लिए आप अकेले ही रहेंगे, किसी और के द्वारा आपको मदद भी मिल पाना इसमें मुश्किल हो सकता है, तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें। इसलिए गलतियां करने से बचे हैं, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगी। दोस्तों इसमें आपको बता दें कि काम को आप धीरे धीरे ही बढ़ाएं और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी निर्णय लेना इसमें आपके लिए बेहतर नहीं होगा, तो इसमें आप इन्हें टाल दें तो आपके लिए बेहतर होंगी। और दोस्तों इसके उपरांत इसमें आपको बता दें कि आप अपनी चतुराई द्वारा किसी समस्या का समाधान पाने में भी सक्षम रहेंगे। जो दोस्तों काम पिछले काफी समय से रुके हुए या फिर अटके हुए थे, यश में आप अल्प प्रयास से ही पूरे करने की संभावना कर सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि किसी रिश्तेदार द्वारा शुभ समाचार मिलने से आपको इसमें खुशी भी मिलने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपनी पढ़ाई व फिर करियर के प्रति फोकस रहें। ये जो समय है आपके लिए फिजूल खर्ची में कटौती रखें, सोशल मीडिया तथा व्यर्थ की गतिविधियों में समय जो है नष्ट ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि परिस्थिति आपके पक्ष में होने के बावजूद भी बेवजह आपको उदासीनता का सामना भी इसमें करना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करनी होगी आपको। और दोस्तों इसमें अधिकतर नकारात्मक विचार आपको तकलीफ भी दे सकते हैं, जिसका असर आपके काम पर भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों इसमें काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को इसमें आराम करने के लिए भी जरूर समय निकालें। दोस्तों आपको बता दें कि इस राशि के लोग संतुलित प्रवृत्ति के होते हैं और यश में यही गुण आपकी तरक्की में जो है सहायक होंगे। दोस्तों बहुत दिनों बाद घर में नजदीकी संबंधियों के आगमन से भी उत्सव भरा माहौल रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी का महसूस भी करेंगे। और दोस्तों यश में कभी कभी बातचीत के दौरान आपके मुँह से कोई ऐसी भी बात निकल सकती है जो संबंधों के लिए नुकसानदायक रहेगी। दोस्तों इसमें आपको बता दें कि कई मामलों में धीरज और धैर्य भी रखना आपके लिए जरूरी होगा। गुस्से व फिर जल्दबाजी के बजाय आप यश में नरमी से काम लें, नहीं तो दोस्तों अपने काम को आप यश में बिगाड़ सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि आपके लिए कैसे समय होंगे। दोस्तों किसी भी विषय में अपनी माता के साथ बात बात करने से आप परहेज करें, क्योंकि दोस्तों जिस विषय के बारे में चर्चा हो रही है उसी बारे में हल तो नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों भावनाओं तक तकलीफ का आपको सामना जरूर करना पड़ सकता है। भूतकाल से संबंधित बातें फिर से निकलने की वजह से रिश्ते में कटुता यश में आने की संभावना बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में
आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आय का कोई महत्वपूर्ण स्रोत भी इसमें बनेगा। नई योजनाओं को भी क्रियान्वित करने का उचित समय है। दोस्तों किसी धार्मिक स्थल पर भी आपका समय इसमें व्यतीत होने वाले हैं। दोस्तों बुजुर्गों का साथ, आशीर्वाद और फिर स्नेह आपको प्राप्त होगा। दोस्तों कुल मिलाकर जो दिन है, जो समय होंगे, आपके लिए अत्युत्तम समय रहने वाले हैं। परंतु दोस्तों यश में कीमत को पहचाने, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें। कोई मित्र जो है स्वार्थ की भावना से आपके ऊपर संबंध खराब कर सकता है, इसलिए दोस्तों यश में आपको क्या करना है, किसी पर भी विश्वास इसमें नहीं करना है। शायद दोस्तों यश में आपको बता दें कि बेकार की बातों में ध्यान न देते हुए अपने कामों को करते रहें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आपके आसपास की परिस्थिति उतनी सकारात्मक नहीं है जितना आपके ऊपर दिख रहा है। दोस्तों यश में परिवार संबंधी झगड़ों को सुलझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए जो है नई समस्या भी यश में खड़ी हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में नए व्यवसाय के अनुबंध आपको विकसित होंगे। और दोस्तों किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए जो समय होगा, जो दिन होगा, आपके लिए उत्तम दिन होगा, उत्तम समय होगा। परंतु दोस्तों जो है वर्कर्स की गतिविधियों को नजरअंदाज इसमें ना करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के उच्च अधिकारियों के साथ भी संबंध जो है इसमें मधुर रहने वाले हैं, लाभदायक रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं में कुछ हल्की फुल्की परेशानियाँ भी आने वाली है, लेकिन दोस्तों समय रहते समाधान भी अवश्य मिल जाएगा। सहयोगियों तथा स्टाफ का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। ऑफिस में भी सहकर्मी ही आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी रच सकते हैं, तो दोस्तों इनसे यश में आपको सावधान रहने की जरूरत भी होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में कामकाज को लेकर पूरी गंभीरता व फिर संजीदगी रखें। लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों कोई भी व्यवसाय निवेश करने से पहले अच्छी तरह जाँच पड़ताल अवश्य करें। नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, परंतु बॉस अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग मिलेगा, जिनसे समस्या का समाधान भी यश में मिलने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि दूरदराज क्षेत्र से कुछ महत्वपूर्ण संपर्क भी स्थापित होंगे तथा अच्छे ऑर्डर भी यश में प्राप्त होने की संभावना बन रही है। दोस्तों यश में आपको बता दें कि मार्केटिंग तथा मीडिया काम कर रहे लोगों के लिए समय बहुत ही अनुकूल होगा। नौकरी पेशा लोगों के ऑफिस का माहौल भी यश में शांतिपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में परिवार तथा व्यवसाय के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नई दिक्कतें यश में आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से आपको सावधानी रखना भी आपके लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए उचित होंगे। दोस्तों आपको बता दें इसके उपरांत आपके लिए स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, सर्दी का असर भी आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दोस्तों ये जो समय है, आप अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उचित प्रयास करें, उचित आहार लें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर रहने वाले हैं।